मसाला कौन सा, कोथिंबीर मिर्ची अदरक कोसा, और निकल देना बोलती थी काकी आई नहीं सांगी ले कड़ी पत्ता दे, तो बड़बड़ करते हुए चार फ्री के कड़ी पत्ता की कांडियां डालती थी उसके अंदर में बता रहे क्या बात है क्या घर संभालेगी दैट इज द लाइफ दैट इज द ऐसा प्यार अभी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। आजकल का जमाने का प्यार इतना खतरनाक हो गया है कि आजकल अगर आपको किसी को ब्रेकअप करना है तो सामने वाले का किसी और के साथ सेट करके देना पड़ता है, तब होता है। मिर्ची मिले, और आजकल लड़कियां भी बोल्ड हो चुकी है, अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। पहले तो खबर लिखती थी हम लोग, अभी एग्जाम खत्म हुए अभी छुट्टी लगी ना तो मॉर्निंग वॉक शुरू होता था हमारा, क्योंकि वो बिल्डिंग की लड़कियां मॉर्निंग वॉक पे जाती, किसको गाय का फिटनेस का मालूम। हम लोग निकल गए वही हमारे कैनवास के व्हाइट कलर के शूज, चौक को गीला करके घिस घिस के उसको उसको ही पहन के निकलने देते, और जिधर हो जाए उधर। मैं तो वैलेंटाइन डे नाम की चीज क्या है मालूम नहीं थी, वैलेंटाइन डे को 5 रुपए का कार्ड खरीदा था मैंने, रेड कलर का रोज, और जाके हमारे दोस्त में से एक दोस्त है उसका नाम है नेपाल, उसका नाम तो नितिन था लेकिन ऐसे पेटने मामलों के बहुत होते थे, बोला नेपाल जा रहे तिले दीवने, तो वो लड़की उधर देगा। तो हर मोबाइल का जमाना कुछ नहीं है, हमारे टाइम पे कम्युनिकेशन कितना फास्ट, 47 नंबर जवर आ बिल्डिंग नंबर 47 के पास हुआ, ये ती झिपरी तिला भेटली काय तरी बोलते झिपरी लफडा नहीं करते, कारण तिचा साईबाबा मंदिर आले यायचा टाइम फिक्स है, त्या जगामध्ये दोनच लोकांना विश्वास, साईबाबा आणि आई बाबा, बाकी कोण नाही। और वो आती थी बोला आली 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 22 नंबर जवळ आली, लाईव्ह मध्ये झाली, इतनी खबर 5-5 सेकंड में आती थी, काय का वाईफाय और काय का राउटर, ऐसी खबर मिलती थी। अरे पूछो मत, ये जो प्यार हमने किया, और मैं वो बताऊं मेरे क्लास में एक लड़का था भयंकर उद्योगी, मैं तो आपको बताता हूँ परसेंटेज का आजकल बहुत कमर्शियल हो गया, बहुत ज्यादा सोचते लोग 90% चाहिए 92% चाहिए। मेरी बेटी व्हेन शी वाज इन 10 शी गॉट 90.28 बट शी स्टार्टेड क्राइंग 100% नहीं आया। मैं बोला क्या हो गया तेरे को, बोला बबुआ 2% कम पढ़ गए तो ये कॉलेज में मेरे को डर, बोले 90 पे तो दुखी है ये परसेंट में, हम लोग 3-3 लोग पास होते थे पागल ही तू। और मैं मुझे टोकिए कब रुकना है, तो मैं आपको बताऊं, मैं इतना मानता हूं कि जिनको 90% मिलते हैं वो जॉब करते हैं, और जिनको 35 मिलते हैं वो लोगों को जॉब देते हैं। जलसा जोरदार ताली, उसमें अगर गुजराती हो फिर उसको 90 मिले या 35 मिले वो लोगों को जॉब जरूर देता है, क्योंकि बेसिक कल्चर जो उनका है वो बिजनेस करने का है, और गुजराती आदमी की देने